हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फोर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की पहली वीडियो और पहली वीडियो एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं अपर सर्किट लग गया है मुझे नहीं पता वो शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा बट आज की डेट में मैंने यहाँ पर बाइंग करी थी तो क्यों क्यों बाइंग करी थी और क्यों उसमें अपर सर्किट लगा उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे और वो राकेश झुनझुनवाला और राधा कृष्ण दमानी जो डी के ओनर है उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है और कभी आ, आ, ए, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे उस शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे जानेंगे कि क्यों उसमें इतना अच्छा रिटर्न पैसे डबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं आ, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारी चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें शेयर करो जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें बाकी हमारी पर्सनल सर्विस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड भी काम करते हैं बाकी यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक्स है यहाँ पर जाके देखिए वीडियो देखिए सीखिए यहाँ पर लर्न करने की कोशिश करिए चीजों को किस तरीके से देख सकते हैं मेहनत करने की कोशिश करिए जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसे यहाँ पर मार्केट से मिलता हुआ नजर आएगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो हम जिस स्टॉक से रिलेटिव बातें करने वाले हैं वहाँ राधा कृष्ण जम्बानी जी का नाम लिखा आ, आता है उस शेयर में नाम आता है राकेश झुंझुनवाला का उन्होंने यहाँ पर होल्डिंग ले रखी है तो कौन सा शेयर है उससे रिलेटिव बातें कर लेते हैं उस उस शेयर का नाम है यहाँ पर प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं

नहीं काम करती है यहाँ पर रियल एस्टेट से और, और मोस्टली जो इनका पैसा आता है वो दिखाई देता है 99% नाइन परसेंट लीजिंग से और आउटराइट सेल से यहाँ पर वन परसेंट यहाँ पर पैसे आते हुए दिखाई देते हैं तो प्रोजोन से रिलेटेड और भी चीजें आपको जाननी है तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट में जाइएगा तो वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा इनके मॉल्स भी है ओके okay, यहाँ पर इन आ, यहाँ पर देखे रेजिडेंशियल्स भी है कमर्शियल्स भी है तो कहाँ पर मॉल है कहाँ पर रेजिडेंशियल्स है वो एक बार आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सब चीज आपको यहाँ पर देखने को पता चलेगी यहाँ पर देख सकती है अनबीटेबल प्रेजेंस इन कोयम्बटूर औरंगाबाद नागपुर यहाँ इन सिटीज में ये देखने को पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पर देखने को मिलता है मॉल्स मॉल्स इनके है एज वेल एज रेजिडेंशियल कमर्शियल मतलब सब चीज में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है और देख लीजिए औरंगाबाद कोयम्बटूर नागपुर में इनके मॉल्स चलते हुए दिखाई देते हैं और

कंपनी यहाँ पर शेयर क्यों खरीदा गया उससे रिलेटेड ही बातें करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं ये माइक्रो कैप कंपनी है एक हजार करोड़ रुपए से मार्केट कैप बहुत कम है यहाँ पर तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है बट इतने ही पैसे लगाइए कि अगर कल की डेट में यहाँ पर शेयर थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है तो डरने की एटलीस्ट यहाँ पर बात ना हो होल्ड कर सके और हम यहाँ पर अच्छा खासा पैसा यहाँ पर फिर उसके बाद कमा सके डेट की बात करें नाइनटी फाइव परसेंट का यहाँ पर डेट है ओके okay, यहाँ पर बात करें आर ओ सी आर ओ ही यहाँ पर कुछ खास नहीं है यहाँ पर और चीजों की बात करें दो का फेस वैल्यू है और फिफ्टी सिक्स रुपीज से हाई इसने बनाया था तो फिफ्टी टू भी खाई और अभी ट्वेंटी सेवन रुपीज पे चल रहा है इसके अलावा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पर ये शेयर जब गिरता है तो अच्छा खासा गिरता है फिर भागता है तो उसी तरीके से यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न भी देता है तो

यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ओपन हो जाएगा इनका पूरा रिजल्ट तो यहाँ पर इसके रिजल्ट देखते हैं तो आपको रिजल्ट से चीजें पता चल जाएगी कि क्यों बाइंग की गई है चीजें तो यहाँ पर देखिए इनकम तो इनकम देखिए इसकी फोर फोर्टी थ्री करोड़ का यहाँ पर सॉरी फोर फोर्टी थ्री पॉइंट रुपीज में यहाँ पर है ये इस क्वार्टर के लास्ट क्वार्टर के लास्ट ईयर के रिजल्ट है ये कल ही रिजल्ट आ गए थे तो अगर आप देखेंगे फोर फोर्टी थ्री इससे पहले यहाँ पर फोर थर्टी सेवन और एक साल पहले फोर नाइनटी टू अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आ, टोटल इनकम की तो टोटल इनकम यहाँ पर आ, साल दर साल कम होती नजर आ रही है बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती नजर आ रही है बट ये किस वजह से तो यहां पर देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑपरेशंस से यहाँ पर अगर बात करें जैसे कि मैंने आपको बताया है ओपन अप थीम्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर इनके मॉल्स है और लीजिंग से पैसे आते हैं तो जैसे जैसे चीजें ओपन होती नजर आएगी तो पैसा आता हुआ दिखाई देगा तो ऑपरेशन से जो पैसा आता है वो यहां पर मेन होता है हमेशा याद रखिएगा तो अच्छा खासा पैसा इनका ऑपरेशन से आ रहा है ओके अदर इनकम में बात करें लास्ट टाइम अदर इनकम ज्यादा थी इस वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे आया बट यहाँ पर बात करें इस क्वार्टर की मुझे यहाँ परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन लगता हुआ

तो आप एक एक पूरा पढ़ने काफी आप नजर आए तो यहाँ पर अगर देखे तो कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर अच्छे खासे रिजल्ट आए थे पॉजिटिव रिजल्ट आए थे मेन बात है कि यहाँ पर जो कंपनी लगातार घाटा पेश कर रही थी वो यहाँ पर पॉजिटिव आ गई थी और जहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई दे तो वहां पर शेयर भागते ही है सेल्स की बात करें यहाँ पर सेल्स अब दोबारा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी ओपन अप थीम्स है तो यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर कंटिन्यूटी से के साथ यहाँ पर भागती हुई नजर आ रही थी और यहाँ पर पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर रुक गई थी दोबारा यहाँ पर चीजें ओपन हो, हो रही है तो यहाँ पर दोबारा भागती हुई नजर आएगी और ये शेयर जो लगातार यहाँ पर घाटा पेश कर रहा था फिर पॉजिटिव शायद यहाँ पर सब कुछ होता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए हमें ये अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक्स है नहीं कि लेके भूल गए ऐसा स्टॉक्स नहीं है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना होता है तो रिजर्व की बात करें रिजर्व

अब यहां पर क्या टारगेट आ रहा है एक सौ बारह परसेंट का टारगेट आ रहा था बट आज नौ परसेंट यहां पर जा चुका है तो यहां पर ट के टारगेट यहाँ पर अभी भी नजर आते हैं तो अभी तो चेज करने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि पर अब अब चेज करने का कोई मौका नहीं है क्योंकि जब चेज करना जाओगे तब तो शायद लोअर सर्किट सर्किट क्योंकि अपर में चीजें ऊपर जाती है लोअर सर्किट में यहाँ चीजें नीचे आती है तो फिर यहाँ पर किस तरीके से डील करना है वो भी हमें देखना पड़ता है अब ये बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट की तो नब्बे का प्रॉफिट यहाँ नजर आता है इसके अलावा बात करते हैं यहां पर थर्टी फाइव की यहाँ पर होल्डिंग थर्टी फाइव के प्रॉफिट के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और हाँ

पेश कर दिए तो ये रिजल्ट आ, यहाँ पर ये रिजल्ट पर शेयर और ज्यादा भागता हुआ नजर आएगा और अच्छे खासे यहां पर रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे तो यहां पर अगर बात करें तो एक यहाँ पर कप और कप बनने के बाद यहाँ पर हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है सबसे पहला टारगेट तो इसकी हैंडल ही है जब ये हैंडल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखते हैं कि कब कंप्लीट करता है कि नहीं करता है जो कि सूनर और लेटर अगर अच्छे रिजल्ट आते रहे तो ऑब्वियस सी बात है ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अपने टारगेट अचीव ना करे टारगेट अचीव होते हैं अगर रिजल्ट अच्छे आते रहते हैं टारगेट अचीव नहीं होते क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर अच्छे नहीं आते और अगर एक क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे नहीं आए दूसरे में आएंगे तीसरे में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है चीजें यहाँ पर बढ़ती है थोड़ा सा टाइम लेती है तो यहाँ पर अगर बात करें दूसरा टारगेट तो सबसे पहला टारगेट तो हमने हम आपको बता ही दिया पहला टारगेट यहाँ पर फोर्टी थर्टी नाइन परसेंट

करिएगा और जब ओपर सर्किट लोअर सर्किट में चीजें चल रही हो तब चेज करने की कोशिश मत करिएगा मौका था आज जो यहाँ पर मिला था सबको मिला था जिसने पकड़ा वो यहाँ पर पैसे बने ओके और इसी तरीके की आपको कॉल्स के लिए कि तुरंत ही यहाँ पर आपको पता चल जाएगी जाए कौन से शेयर भागेंगे कौन से नहीं भागेंगे इसके लिए क्या है इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम यहाँ पर आपको इस तरीके के स्टॉक्स भी बताएंगे स्विंग ट्रेडिंग के लॉन्ग टर्म पर्पज से और यहाँ पर आप हमारी सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज ले सकते हैं तो वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा जितना हो सके सपोर्ट So thank you so much. God bless.